भगवान ने सौंपी हुई है। मुझे अभी भी अनिष्ट से बचाओ, नरकों से बचाओ, ताकि मैं आपका द्वार छोड़ करके इधर उधर मन न भटकाऊं। हे महाराजा श्री चक्रधर बाबा, मेरे विकार रूप दोषों की क्षमा करें, विकल्प रूप दोषों की क्षमा करें, मेरे हिंसा रूप दोषों की क्षमा करें। हे महाराजा, मैं तमोगुण से, हिंसा रूप कर्म से, नख से लेकर के सिर के बाल तक भरा पड़ा हूं, किंचित मात्र भी मेरे अंदर दया का भाव नहीं है। हिंसा रूप कर्मों से इतना कठोर हो चुका हूं, मुझे पूजा पाठ की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता, स्मरण करने में मन नहीं लगता, तीर्थ यात्रा का स्वाद नहीं आता, अशुभ अशुभ बातें ही दिमाग में आती है, दूसरों का बुरा करने का ही मैं रात दिन सोचता रहता हूँ, नींद में भी अशुभ करने ही सोचता रहता हूँ। तृणा मुंगी से लेकर के कीड़े मकोड़े से लेकर के घास चिमके से लेकर के कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, मनुष्य, साधारण मनुष्य, चित्त साधक, अंतर्यामी, बहिर्यामी, प्रसव बढ़ता गया, मैं अशुभ कर्म करता ही गया। देवताओं के विग्रह, परमेश्वर धर्म के दर्शनीय, वेदवंत, बोधवंत, ज्ञानी, प्रेमी एवं ईश्वर अवतारों तक मैं दुखी करता रहा। मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं, सबसे दुश्मनी ली, सारे संसार से दुश्मनी ली, 81 करोड़ 10 लाख देवताओं से दुश्मनी ली, जिनके द्वारा मुझे बार बार दुख यातना दी गई। हे महाराजा, इन हिंसा रूप कर्मों करके मेरे अंदर भाव नहीं रही, रहा भक्ति नहीं रही, कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मेरी तरफ देखने वाला नहीं है। मैं अनंत सृष्टि में यही पाप रूप कर्म किए, जिस करके दुख भोगता आया, और फिर ढेर सारे बच्चे पड़े हैं, कब तक कब इनका भुगतान होगा, इनका नाम सुन करके कलेजा कांपता है। हे महाराजा, इन हिंसा रूप कर्म करके मैं नरकों की यातना बहुत होगी, बहुत होगी, इसका कोई अंत नहीं है। श्री चक्रधर बाबा, मेरे विकार रूप दोषों की क्षमा करें, विकल्प रूप दोषों की क्षमा करें, हिंसा रूप दोषों की क्षमा करें। बचा दे बाबा, तेरे सिवा मुझे बचाने वाला, मुझे अपना कहने वाला इस संसार में और कोई नहीं है, एक तू ही तू है, तू ही माता है, पिता है, सखा है, सुत है, संगाती है, आपके सिवा इस जीव का भला करने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। मुझे अपने चरणों का दास बना दे, अब मुझे इस संसार के धक्के आने से बचा ले, इस संसार में अब मत चक्कर काटने दे, अपने चरणों के में थोड़ी सी जगह दे, एक कृपा दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि से मेरी तरफ देख ले महाराज, मैं निहाल हो जाऊंगा, आपका कहलाने के हकदार हूँ। महाराज, मैं आ ही गया आपके द्वार पर, आपके
द्वार पर जो भी आ जाता है उसको आप दूर नहीं करते, शरण आए हुए को आप दूर नहीं करते, जो भी जीन है उसके आप है, कंगाल है उसके आप है, अनाथ के आप है। मैं अनाथ हूँ, जीन हूँ, कंगाल हूँ, दुखी हूँ, मुझे कुछ भी सहारा नहीं नजर आता, तीनों तापों की आग में जल रहा हूँ, जिधर जाऊं उधर दुख ही दुख नजर आ रहे हैं, दुख ही दुख नजर आ रहे हैं, कोई शांति का मार्ग नहीं दिखलाई देता। आपकी आज्ञा भंग करने के सब ये दंड है, आपसे दूर जाने के ये सब कुछ दंड है, महाराजा अब बस हो गया, बहुत हो गया, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मैंने इन इंद्रियों को पालते पोसते इनको सबल बनाने के वास्ते पात्रों की निंदाएं की, पात्रों के क्षोभ जोड़े, देवी देवताओं को बुरा भला बोला, उनके क्षोभ जोड़े, भूतों का क्षोभ जोड़ा, उनके द्वारा दिए गए दंडों से शरीर जर्जर हो गया, अनेक प्रकार के रोग राय प्राप्त हुए। हे महाराजा मुझे पात्र क्षोभ से बचा ले, देवता क्षोभ से बचा ले, भूत क्षोभ से बचा ले, किए तो है परंतु अब भोगते वक्त ही मुश्किल लगता है। महाराजा आपका मैं एक छोटा सा अनाथ बालक हूँ, अब मेरे से ये दुख जैसे नहीं जाते, मैं कहाँ जाऊँ, कहीं पर भी सहारा नहीं आता दिखाई देता, सारे दुनिया के अंदर जहाँ भी देखते हो वहाँ पर सब दुश्मन ही दुश्मन है। मैं विभिन्न प्रकार के चोरी कर्म, लड़ाई झगड़े, दंड फन, विभिन्न प्रकार के अशुभ कर्म करते करते अनेक जन्म बिताई है, अनेक जन्म बिताए है। हे महाराजा मुझे विकार दोषों से बचा, मेरे विकार दोषों की क्षमा कर, विकल्प दोष से बचा ले, मैं भूल करके किसी देवी देवताओं के द्वार पर न जाऊं, न किसी प्रकार की संग्रह रूप क्रिया करने का हिम्मत करूं, हिंसा रूप कर्मों से बचा ले बाबा, इन हिंसा रूप कर्मों से के फल स्वरूप विभिन्न प्रकार के नरकों की सेवा करता थक गया, अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही, दुख भोगने की शक्ति नहीं रही, हिम्मत नहीं रही, पात्र जो देवता जो भूत क्षोभों से बचा, बड़े बड़े दुख इनके द्वारा प्राप्त होते हैं। हे महाराजा मेरे निमित्त दोषों की क्षमा करो। हे महाराजा मैं खुद तो विकारों की सेवना की, दूसरों के विकारों को भी निमित्त बना, दूसरों को विषय विकारों में फंसाया, दूसरों को नरकों का राह दिखाया, हे महाराजा उन नरकों में सहयोगी बना। हे महाराजा श्री चक्रधर बाबा तापस के बाबा बता रहे, मैंने स्वयं तेरा द्वार छोड़ा, देवी देवता के द्वार पे भटका, अविशेष ही विशेष कल्पना करता आया, छू छू छी छी तू तू करता आया, दूसरों को भी विकल्प रूप क्रिया करने की प्रेरणा दे, दूसरों को तेरे धर्म से पीछे हटाया, किसी को धर्म पर लगाने की अपेक्षा औरों को धर्म से गिराया, औरों के धर्म कर्म को डुबाया। हे महाराजा हिंसा रूप कर्म खुद किया,
दूसरों को भी हिंसा कर्म करने की प्रेरणा दी। हिंसा रूप कर्म में लगाया, पात्र क्षोभ में लगाया, देवता क्षोभ में लगाया, स्वयं अशुभ कर्म किए, दूसरों को भी अशुभ कर्म करने की प्रेरणा देता रहा। हे महाराजा, मैंने जानबूझ करके या अनजान में जो जो भी गलतियां की है, महाराज आप क्षमा करें। मैं अनजान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे कोई समझ नहीं, मुझे अपना एक तुच्छ से वह समझकर, सेवक समझ करके मुझे अपना समझ करके, मेरा वास्तविक कोई नहीं है संसार में आपके सिवाय, माता पिता के जिस तरह बालक प्रिय होते हैं, आप सबके प्रिय है, सारे संसार के आप माता पिता है, मैं एक तुच्छ बालक हूँ। यदि जानबूझ करके भी किए हैं या अनजान में जो बातें हुई है, जो अशुभ कर्म मेरे द्वारा हुए हैं, अविधि रूप जो भी कर्म किए गए हैं, उन सब पाप कर्मों की क्षमा करें। मुझे विधि का योग आने दे, मैं प्रेमदायक विधि का आचरण करूं, दूसरों को परमार्ग का राह दिखाऊं, स्वयं स्मरण ध्यान में मन लगाऊं, तीर्थ यात्रा करूं, दान धर्म करूं, शुभ यात्रा करूं, इस जीवन को जो आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, इसको सफल बनाऊं, आपके चरणों में बैठने के लायक बनूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करते। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना थोड़ा सा प्रेम का प्याला पिला दे, बस मैं निहाल हो जाऊंगा। चलो अब जैसी सहूलत हो